नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा मैया के प्राचीन मंदिर पर देखिए शनिवार को किस प्रकार सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। श्री कैला देवी मंदिर प्रांगण में मौजूद संकट मोचन हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा के समक्ष शनिवार को देखिए किस प्रकार सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। यह मंदिर आगरा शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर गाँव इटौरा में स्थित है। प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है कि इस मंदिर पर जिसने भी सच्चे मन से पूजा अर्चना की है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है, चाहे आला उदल हो या राजा कलिंगा या वर्तमान सांसद विधायक एवं मंत्री, हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है ऐसा यहाँ के मंदिर का कहना है और मंदिर के पहुँचे सभी भक्त यही कहते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को वृंदावन धाम से पूजा शास्त्री एवं अंजनी शास्त्री अपनी टीम के साथ पहुँची और उन्होंने मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की विशाल काय प्रतिमा के समक्ष देखिए किस प्रकार एक सुंदर और सुंदरकांड का आयोजन किया है। सुंदरकांड को सुनने के लिए यहाँ कमेटी के सभी पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको श्री कैला देवी मंदिर इटौरा मंदिर की ये लाइव तस्वीर है और देखिए किस प्रकार सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के बाद देश में सुख शांति के लिए कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया और यहाँ सुंदरकांड का आयोजन किया गया। देखिए किस प्रकार सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश में अमन चैन के लिए यहाँ देखिए भगवान से अरदास लगाई जाती है, भगवान से अरदास लगाई जा रही है, साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान जी के समक्ष ये देखिए किस प्रकार सुंदरकांड का आयोजन चल रहा है, जिसमें सुंदरकांड के साथ साथ भगवान से अरदास लगाई जा रही है कि गाँव देश दुनिया और पूरे प्रदेश में सुख शांति कायम रहे। तो जानते हैं भक्तगणों से क्या कुछ कहना है मंदिर के पदाधिकारियों से और साथ ही साथ पूरी खबर देखें और देखें किस प्रकार पूजा शास्त्री ने इस पूरे सुंदरकांड को अपने श्रीमुख से कहा है और क्या कुछ बोली है सुंदरकांड को लेकर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारी खबर को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह सुंदरकांड का आयोजन अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। साथ ही साथ आगरा की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए खबरों के साथ। हर खबर आपके हाथ, आपके पास, आपके साथ। लेकिन संत कह रहे हैं कल हो ना, क्या पता यहाँ का पाठ सुन के जाए रास्ते में राम नाम सत्य। ऐसे भाग्य तो नहीं होते बोले भगवान के मंदिर में प्रांगण में और भजन करते में यदि प्राण छूट जाए तो बड़े भाग्य है, और यदि ऐसा हो जाए संत ने कहा काल को ने देखो बंदा आज जग ली, काल को ने देखो बंदा आज जग ली। मैं मनमोहन गोयल श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे आचार्य आई हुई है वृंदावन से, वो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रही है। सभी व्यक्तियों से अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग आके सुंदरकांड का आनंद लें। तो मैं श्री कैला देवी मंदिर जो ट्रस्ट कमेटी है उसमें मंत्री हूँ और आज माँ कैला देवी के भवन पर वृंदावन से आचार्य आई हुई है, महिला आचार्य, और उनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है समस्त क्षेत्र की जनता की सुख शांति और समृद्धि के लिए। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आए, इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं, सम्मिलित हों, माँ के चरणों में प्रसाद पाएं और भगवान के प्रति अनुग्रह प्रकट करके प्रसाद ग्रहण करें। माँ कैला देवी मंदिर कमेटी आज कैला देवी के मंदिर पर कोरोना काल के बाद आज सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जो वृंदावन से आचार्य आई हुई हैं और सभी क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि के लिए आज सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित आगरा शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर इटौरा देवी मंदिर के प्रांगण में, और आप यह तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे पीछे
यहाँ आपको बता दें कि सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। कोविड 19 के बाद एक बड़े समय के बाद देखिए यहाँ किस प्रकार सामूहिक कार्यक्रम सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आचार्य महिला आचार्य वृंदावन से आई हुई हैं और वह देखिए कितना सुंदर तरीके से सभी भक्तों के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रही है। इनका कहना है कि क्षेत्र की सुख शांति के लिए आयोजन किया जा रहा है। चोप सिंह सक्सेना आगरा। और रघुपति चरण I'm gonna make you mine।
रही है।